Good morning, everyone. Today we will discuss about समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आगुण, है ना, कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग क्वाइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आगुण क्या होता है। जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, इस तरह से लटका दिया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कुंडली की भुजाओं पर एक बलयुग्म आरोपित होता है जो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। और उस बलयुग्म को क्या कहते हैं हम, विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। क्या नाम है उसका, विक्षेपक बलयुग्म, ठीक। तो शुरुआत की जो लाइनें होगी वो कैसी होगी कि जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की भुजाओं पर या कुंडली की भुजाओं पर समान परिमाण और विपरीत दिशा के दो बल कार्य करते हैं। या इतना भी नहीं लिखते, कुंडली की भुजाओं पर बलयुग्म आरोपित होता है जो कुंडली के तल को, ये जो तल रहेगा उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस बलयुग्म को विक्षेप बलयुग्म कहते हैं। जैसे कुंडली मान के चलिए आप, ठीक है, ये कुंडली है, इसको यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर दिया आपने, चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया। अभी कैसी है ये, जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है मान के चलिए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगली है चुंबकीय क्षेत्र के समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को क्या कर दिया आपने, रख दिया, ए बी सी डी ए नाम दे देंगे, ए बी सी डी इस तरह से, और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, ठीक है, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको रखते हैं और धारा प्रवाहित करते हैं, ये स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई है, स्वतंत्रतापूर्वक लटकी इस कुंडली में जब हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में इन कुंडली की भुजाओं पर क्या होता है, एक बलयुग्म आरोपित होता है। बलयुग्म आपको मालूम है, बलों का जोड़ा, बलयुग्म आरोपित होगा और ये कुंडली के तल को जो कि कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, समांतर है, देख रहे हैं आप, ये कुंडली का तल है और ये चुंबकीय क्षेत्र की कैसा है, समांतर है। तो वो जो बलयुग्म होता है ये इस चुंबक की जो कुंडली है उसके तल को क्या कर देता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर देता है, इस तरह से घुमा देता है, ठीक है। और इस बलयुग्म को क्या कहते हैं हम, विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। बात समझ में आ गई अब, यानी ऐसा था चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसा था धारा प्रवाहित किए तो कैसा हो गया, ये इस तरह से हो गया, मतलब तल कैसा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की कैसा हो गया, लंबवत हो गया, ठीक। तो ये आपके पास में शुरुआत की लाइनें होती है कि जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की भुजाओं पर बलयुग्म आरोपित होता है जो कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म को विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। क्लियर दैट, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, विक्षेपक बलयुग्म। जो बलयुग्म लगेगा उसका नाम है यहां पर विक्षेपक बलयुग्म, विक्षेपक बलयुग्म, ठीक है। ये अब डायग्राम देखते हैं इसका, दो डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक डायग्राम पहले अभी देख लो आप, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बना लीजिए। आपको मालूम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, किसको नहीं मालूम, सबको मालूम है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, है ना। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली बना देते हैं, ए बी सी डी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दिया हमने, ठीक। ए बी सी डी एक कुंडली हो गई, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। और कुंडली के जो अक्ष है ना, अक्ष एक्चुअल में ये मैं यहां पर ऐसा अक्ष बना रहा हूं, ठीक, लेकिन ये जो अक्ष है इस तरह से नहीं रहती है, ये अक्ष हो गई,
ठीक, इसके प्रति तो ऐसी कुंडली घूमेगी अभी, ठीक है। अब लेकिन अक्ष बोलने का मतलब क्या होता समझो, अक्ष का मतलब भी आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। ये जो कुंडली है ना, इस कुंडली के जो बीचों बीच एक जो लंब है, ये देखिए, ठीक इस तरह से ये कुंडली है, देखो कुंडली, ये कुंडली है आपके पास ए बी सी डी, ये कुंडली है। तो ये जो अक्ष है ये है एक्चुअल में, अब चूंकि मैं ऐसा यहां पर बता नहीं सकता इसलिए मैं इसको ऐसा बना दिया, ये अक्ष है, ठीक है। और ये अक्ष इस तरह से क्या करेगी, घूमेगी, समझ आई बात। जब कुंडली इस तरह से घूमेगी तो ये अक्ष भी क्या होगी, अपने आप घूम जाएगी। और जब अभी देखे, अभी जब इस तरह से रखी तो कुंडली क्या करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की कैसा है, लंबवत है। अब जब घूमेगी तो क्या होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्या करेगी, अक्ष कुछ ना कुछ क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। जब भी अभी कैसी है, लंबवत है, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र और ये कुंडली इस तरह से, तो ये लंबवत है। अभी किसके लंबवत है, अक्ष किसके लंबवत है, अक्ष समझ में आ रहा है, अक्ष किसको बोल रहा हूं मैं, अक्ष ये भी होती है एक और अक्ष ये भी है, बीचों बीच जो लंबवत दिख रही है ये भी अक्ष है। और यहां पर एक्चुअल में हम अक्ष जो लेने वाले हैं यही लेने वाले हैं, ये वाली अक्ष। जब कुंडली घूमेगी तो ये देखो अक्ष भी अपने आप घूमेगी, और जब अक्ष घूमेगी तो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोई ना कोई कोण बनाएगी, ये देखिए ऐसा, ठीक याद रहेगा। फिर कुंडली की जो दो भुजाएं आपके पास में कौन कौन सी, कुंडली की जो भुजाएं हैं बी ए और सी बी है ना, ये बी सी ए बी और सी डी, इन दोनों की लंबाई जो है वो एल है। कितनी लंबाई इनकी, एल, राइट, समझ में आ रही बात। और ये भुजाएं जो ए डी और बी सी है, इनकी जो लंबाई है कितनी है, ये बी है, ठीक दिख रहा है सबको, यस। और कुंडली की भुजाओं पर, अब देखो कुंडली की भुजाओं पर दो बल कार्य करते हैं, एक भुजा ये वाली हो गई ए बी और दूसरी भुजा हो गई सी डी, इस पर एक बल लगता है ऊपर की ओर, ये देखिए ये बल लगा एक एफ ऊपर की ओर, ठीक। और एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल बी। आप देखो ये स्थिति कैसी है, ये स्थिति ऐसी है कि एक धार, अगर हम पूरी कुंडली को भूल जाएं, सिर्फ भुजा ए बी की बात करें, तो भुजा ए बी में आप देख पाएंगे कि ये जो भुजा ए बी एक धारावाही चालक है, और ये इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, रखा हुआ है, दिख रहा है कि वैसे देखो, तो धारावाही चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है तो उस पर एक बल कार्य करता है कि नहीं, जिसको कौन सा बल कहते हैं बताइए। और इसमें धारा भी बह रही, देखिए ये धारा प्रवाहित है आई, धारा ऐसी बहेगी जो नीचे आएगी, ठीक। तो मैंने आपको बताया था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, बताइए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, बोलिए। वो तो आवेशित कण पर लगता है लॉरेंज बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है, बोलिए कौन सा बल होगा यहां पर। फ्लेम, ये देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र और ये चालक ए बी में बहने वाली धारा, ठीक है। और ये अंगूठा अंदर की ओर दिख रहा है, मतलब ये जो बल है अंदर की ओर लगेगा। और इस बल का मान कितना होगा, इस बल का मान कितना होगा, एफ इज इक्वल टू, बोलिए एफ, हाँ आई एल बी, एल आपको मालूम है, एल क्या है, ये दो ए बी और सी डी की लंबाई है। वैसे ही इस तरफ भी बल लगेगा, जितना बल ऊपर लगेगा, इसको यहां ना बनाते हुए यहां बना देता हूं, ये एफ इज इक्वल टू आई एल बी, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल कहां लगेगा, अब इस तरफ भी लगेगा। देखिए अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ, ये देखिए अब ये चुंबकीय क्षेत्र, प्रवाहित धारा नीचे की ओर सी से डी की ओर, तो बल देखो लग रहा है इधर बाहर की ओर, इधर अंदर की ओर लग रहा था, इधर बाहर की ओर लग रहा है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ये भी दो बल क्या होंगे, आई एल बी। और दोनों बल बताइए समान परिमाण के हैं क्या नहीं, दोनों बल कैसे हैं,
समान परिमाण के हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, और दोनों की दिशाएं कैसी है बोलिए, विपरीत। एक कागज, एक कैसा है बोर्ड के अंदर की ओर, और एक कैसा है बोर्ड के बाहर की ओर, है ना। तो बताइए ये जो स्थिति बनती है कि जब दो बल होते हैं, दोनों के परिमाण समान होते हैं, दिशाएं विपरीत होती है, क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, तो क्या कहलाता है ये बलों का ये जोड़ा, क्या कहलाता है? बल युग्म कहलाता है। अब मुझे बताइए कि कोई बल का जोड़ा है और इस पर ये जो है आप देखिए, इसको आपने ए बी सी डी ये नाम दिया है आपने इसको, और इस पर लग रहा है अंदर की ओर बल ऐसा, और इस पर लग रहा है बाहर की ओर बल ऐसा, तो मुझे बताइए ये ऐसी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो घूमेगी इस तरह से, क्लियर नहीं होगा? इस पर अंदर की ओर बल लग रहा है, ये वाली भुजा पर, ये ए बी भुजा पर अंदर की ओर बल लग रहा है आई एल बी, और ये वाली भुजा पर बाहर की ओर बल लग रहा है, ये भुजा अंदर जाएगी और ये भुजा क्या होगी बाहर, तो ये जो है तल ये ऐसा घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा? यस आर नो, ठीक। हाँ, तो ये हो गया आपका दो बल, है ना। तो यहां पर पूरी चीजें जो होगी हम बोल देंगे चित्रानुसार, समरूपचुंबकीय क्षेत्र बी में एक धारावाही वृत्ति कुंडली, वृत्ति नहीं आयताकार कुंडली, है ना, धारावाही आयताकार कुंडली ए बी सी डी स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, जिसमें प्रवाहित धारा कितनी है आई है, ठीक है। कुंडली की भुजाओं ए बी और सी डी की लंबाई कितनी है स्मॉल एल, तथा ए डी व बी सी की लंबाई कितनी है स्मॉल बी है। कुंडली की भुजाओं पर समान परिमाण दिख रहे, समान परिमाण तथा विपरीत दिशा के दो बल कार्य करते हैं, जो मिलकर एक बल युग्म का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। इस बल युग्म को विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विक्षेपक बल युग्म कहते हैं, ठीक है। यहां तक के हमको लिखना है, पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं है, तो बन जाएगा सबसे थ्योरी को फिर से देख लो। चित्रानुसार ए बी सी डी, चित्रानुसार ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है, जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। चित्रानुसार ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, जिसमें प्रवाहित धारा आई है। कुंडली की भुजा ए बी और सी डी की लंबाई स्मॉल एल, तथा भुजा बी सी और ए डी की लंबाई स्मॉल बी है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कुंडली की भुजाओं पर समान परिमाण तथा विपरीत दिशा के दो बल कार्य करते हैं, जो मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म कुंडली के तल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घुमाने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को, कुंडली ऐसी थी अब ऐसी हो गई, है ना, इस बल युग्म को विक्षेप बल युग्म कहते हैं। यहां तक बात ठीक है सबके लिए, बोलिए। अब देखो एक और डायग्राम यहां पे बना रहे हैं हम, है ना। अब देखिए, अब चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली घूमेगी, है ना, अब ये देखिए, मान के चलते हैं कि भाई कुंडली की इस पॉइंट पर, भाई सीधी सी बात है, ये पूरी की पूरी भुजा पर लंबवत बल लग रहा है, इस पूरी की पूरी भुजा पर लंबवत बल लग रहा है, तो एक बल मैं इस ऊपरी सिरे पर लगा दूंगा चलेगा, और एक बल इस पर लगा दूंगा। जब कुंडली इस तरह से घूमेगी तो ये भुजा ऐसी हो जाएगी, थोड़ी तिरछी होगी, क्या भुजा तिरछी ऐसी, देखो ये अभी देखिए बी सी है ऐसी रखी हुई, अब ये भुजा अंदर जा रही है, ये भुजा बाहर जा रही है, तो बताइए ये थोड़ी तिरछी होगी कि नहीं, ऐसी होगी तिरछी, ये वाली बी सी, बी सी थोड़ी तिरछी हो जाएगी। तो वही डायग्राम मैं बना रहा हूँ, और भुजा ये जो बल है ये यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, तो भुजा बी पर भी तो ऐसे लगेगा ना, बिंदु बी पर ऐसा और बिंदु सी पर ऐसा लगेगा, ठीक, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, तो ये वाले बिंदु पर भी बल ऐसा लंबवत इस तरफ लगेगा, और ये वाले पर लंबवत इस तरफ लगेगा। तो वो जो ऊपर का जो चित्र है, घूमने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो वाला बना रहा हूँ मैं। तो ये जो भुजा थोड़ी तिरछी हो जाएगी, ये भुजा है, ये वाली भुजा ऊपर वाली, ये देख रहे हैं ये वाली बी, और इस पर एक बल लगेगा, ये देखिए एफ, और ये बल लगा एफ। कोई दिक्कत है किसी को,
और ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझ गए, ये क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र, अभी भी वही है। और आपको मालूम है अक्ष कैसी है, अक्ष तो उसके लंबवत है इस तरह से, तो यहां पर ही लंबवत आ जाएगा, तो इस ये वाली भुजा आपके पास में कौन सी, बी सी मान के चलिए, बी और ये सी है, ठीक है, तो इसके लंबवत एक क्या होगा, इस तरह से लंबवत अक्ष होगी, ये हो जाएगी अक्ष, ठीक। और यदि अब इसको मिलाते हैं ऐसा, इस तरह से, और यहां इसको मिला देते हैं, इसको नाम देते हैं हम सी, ए नहीं बी सी, एम नाम दे देते हैं मान के चलो, ठीक। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चित्र में, ये चित्र सबसे कठिन चित्र यही है, इस चित्र से कठिन ये है, इसको समझना कठिन है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपने कुंडली को घुमाया, ये कुंडली थी आपकी बी सी, जब आप कुंडली को घुमाएंगे तो ये देखिए, ये आपका बी अंदर गया सी बाहर आया, तो ये देखिए बी इस तरह से हो गया, मान के चलो ऐसा आकृति बना दी हमने ये, ठीक, बी सी थोड़ी तिरछी वाली है, वो दिखेगा नहीं ऐसा, तो वो तिरछी वाली बना दिए, और तिरछी वाली जब बनाएंगे तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या करेगा, कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, या ऐसा बना दीजिए जैसा भी आप बनाना है, ये आप देखिए ये बी और सी हो जाएगी, और ये थोड़ी जो अक्ष ऐसी लंबवत थी वो इस तरह से हो जाएगी, तो क्या करेगी ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्या करेगी, कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। अब इसको हम बता नहीं सकते, अभी सिर्फ ऐसे ही समझ लो कि ये जो भुजा बी सी है, ये है भुजा बी सी, और जब वो घूमी तो इस तरह से, इसकी लंबाई है आपकी कितनी, बी सी की लंबाई आपको मालूम है कितनी होगी, ये बी है, बी सी की लंबाई कितनी है, बी है, और भुजा बी सी के बिंदु बी पर, जैसे ये बल ऊपर की ओर लग रहा, अंदर की ओर लग रहा था, वैसे बी पर ऐसा बल लगा, ठीक है, और सी पर ये वाला जो बल है सी पर यहां लगा ऐसा, तो ये दो बल हो गए एफ और एफ, ठीक है, ये दोनों बल विपरीत दिशा में, और ये कुंडली की अक्ष जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, कितना, थीटा कोण। अब यहाँ पर गणित में एक प्रमेय होता है, अगर ऐसी स्थिति में यहाँ थीटा कोण बनता है तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यदि यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ पर भी थीटा बनता है, तो उस पर हम जाएंगे नहीं, अपने को इतना मालूम रहना चाहिए कि यदि यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ पर थीटा बनेगा, ठीक, और यदि यहाँ थीटा बनेगा तो हमारे पास में बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, बताना जरा, बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, किसको मालूम है, बहुत छोटा है ये लेकिन कठिन है, थोड़ा समझने के हिसाब से कठिन है ना, क्योंकि एक एक बात यहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक बात को समझाना और उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन हो रहा है। तो बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है बताइए, बलयुग्म के आघूर्ण की परिभाषा बोलिए, अरे बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है ग्यारहवीं का, याद करो, बल गुणित बल के बल, दोनों बलों में से कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये सूत्र होता है बलयुग्म के आघूर्ण का। हमको क्या निकालना है, बलयुग्म का आघूर्ण ही निकालना है, उसी का सूत्र नहीं मालूम आप लोगों को, हैं,
बलिम का गुण बराबर दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को के गुणनफल को बलिम का गुण कहते हैं। तो मुझे यहाँ पर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालना पड़ेगा पहले यहाँ से, और यहाँ से निकाले लंबवत दूरी कैसी निकलती है देखो, ये समकोण त्रिभुज, अब ये बिंदु बी पर यानी भुजा बी सी के बिंदु बी पर बल लगा अंदर की ओर, और भुजा बी सी के बिंदु सी पर बल लगा बाहर की ओर। ये जो बल लग रहा था आपका, ये देखिए, ये बल अंदर की ओर लग रहा था बी पर, और ये बाहर की ओर लग रहा था इस तरह से, ये लगा, ये देखिए, ये बल बी पर अंदर की ओर, सी पर बाहर की ओर बल लगा। तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखाएं हो गई। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वस्तु होती है, ये वस्तु इस पर ऊपर की ओर बल लगा, इस पर नीचे की ओर बल लगा, तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली कहलाएगी लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये कहलाएगी। तो यहाँ पर भी एक बल बिंदु बी पर ऊपर लगा, एक बल नीचे लगा मान के चलिए, तो बताइए इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, एम सी होगी, ये वाली भुजा, हाँ, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, यहाँ ये अंदर लग रहा है, ये बाहर लग रहा है, तो इस बल की क्रिया रेखा ये बनेगी, इस बल की क्रिया रेखा ये बनेगी, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी बताइए, एम सी होगी, है ना। अगर एम सी होगी तो मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज में एम सी क्या है, क्या है एम सी बताओ, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा है ना, ये भुजा की बात कर रहा हूँ, एम सी साइन थीटा लगा दो यहाँ पहले, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कौन सा होगा बताओ, एम सी हो जाएगा लंब, यही है आपके पास दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एम सी अपान कर्ण कितना है बी सी, तो बी सी का मान कितना है बी, तो एम सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आएगा बी साइन थीटा, आएगा, तो ये जो है ये आपके पास में आएगा, ये जो भुजा आएगी एम सी कितनी आएगी बी साइन थीटा, क्या आएगी बी साइन थीटा, समझ गए। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई बताइए, अब कितनी हो गई, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई बी साइन थीटा हो गई, ठीक है। तो ये चित्र था, थोड़ा कठिन चित्र था, ठीक है, बन जाएगा सभी से, ये अब दोनों डायग्राम क्लियर हो गए सबको, यस राइट है ना। तो ये हमने पहले संरचना मनात बता दिया, ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसके बाद में थोड़ा सा हमने बोल दिया कि यदि कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर लगा दो, कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र, तो ये लाइन चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और ये है ये लाइन चुंबकीय क्षेत्र को, और ये कुंडली की अक्ष, तो यदि चुंबकीय कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण थीटा हो, तब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी बी साइन थीटा होगी, ये हम डायरेक्ट लिख देंगे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी बी साइन थीटा होगी, तब से मैं डेरिवेशन को क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है डेरिवेशन में मैंने क्या क्या किया, डेरिवेशन ये जो थ्योरी है मैंने इसमें क्या क्या लिखा, क्लियर हो गया सबको। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, तब कुंडली पर लगने वाले विक्षेपक बलों का गुण, तब कुंडली पर लगने वाले विक्षेपक बलयुग्म का
आघूर्ण बराबर क्या होता है बताइए, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की, दोनों बलों के बीच की क्या होता है लंबवत दूरी, राइट, ये होता है। हाँ आप बताइए, एक बल कौन सा हो गया, एक बल कौन सा है, दोनों बलों में से कोई एक बल कौन सा हुआ, आई एल बी है कि नहीं, अरे हाँ या ना, हाँ। और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी निकाले आपने बताओ, हाँ बी साइन थीटा, क्लियर है इतना, ठीक है। हाँ अब मुझे बताइए, आई एल और ये बी, एल इंटू बी को पास मिला दिया और ये बी साइन थीटा, ठीक। अब मुझे बताइए ये क्या है एल, आयताकार कुंडली में एल क्या चीज है, उसकी लंबाई है क्या नहीं, हाँ। और बी क्या चीज है उसकी बताइए, चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा, और क्षेत्र बिल्कुल क्षेत्रफल बनेगा, तो क्या आएगा बताइए, आई एल बी, एल बी के स्थान पे क्या आएगा, क्या आएगा क्षेत्रफल किससे लिखेंगे, ए से, तो आई ए बी आ जाएगा, है ना, साइन थीटा, समझ गए, क्लियर होगी कि नहीं बात, लिखना पड़ेगा कि एल इंटू बी बराबर ए हुआ है क्या, लिखूं यहां, क्योंकि एल इंटू बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्षेत्रफल, बच्चों वाला काम हो गया, चलो ठीक है लिख देते हैं, क्लियर दैट। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, अभी तो केवल एक ही फेरे की बात करें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, तब अच्छा बलों के आघूर्ण को किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, टाऊ से, मालूम है सबको, टाऊ से। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तब टाऊ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाऊ इज इक्वल टू एन एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया वॉल्यूम के आघूर्ण के निबंधक। और यदि आपको, यदि यदि आपको इसका सदिश रूप निकालने बोला, सदिश रूप कैसे निकालोगे, सदिश रूप बताइए, साइन लगा हुआ है तो डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा क्षेत्रफल सदिश राशि क्या राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है क्या राशि है, माइक बंद करिए, हाँ सदिश राशि है ना क्षेत्रफल, ठीक है, जब सदिश राशि है तो मुझे बताइए, यहाँ साइन लगा हुआ है, ए और बी के बीच में डॉट लगेगा कि क्रॉस लगेगा, क्रॉस लगेगा, तो एन आई और यहां पर आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा, समझ गए, ये इसका क्या कहलाएगा, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप कहलाएगा, समझ गए, यस आर नो। तो ये हो गया टाऊ बराबर एन आई ए बी, अब आपका है ना एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसकी दो कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं, क्लियर है सबको, डेरिवेशन में कुछ भी नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझने के लिए डेरिवेशन में कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, सिर्फ समझने वाली बात कौन सी थी, ये जो पोर्शन ये वाला और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन ये वाला, ये दोनों के दोनों जो डायग्राम है वो आपको समझ में आए कि नहीं बता दो, है ना, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ नहीं, सूत्र लगाए हैं, मान रखे, काम खत्म, ये बात समझ में आई कि नहीं, आ गई, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी कंडीशंस करते हैं।
कंडीशन भी ध्यान रखना है आपको, कंडीशन भी महत्वपूर्ण है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा इज इक्वल कितना होगा बताइए। हाँ, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा इज इक्वल कितना होगा, जीरो नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। यहां पर मुझे बताइए कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोण बनाता है कि कुंडली की अक्ष बनाती, मुझे बताइए पहले। कुंडली का तल बनाता है कि कुंडली की अक्ष बनाती है कोण? हाँ, अक्ष। तो मुझे बताइए, अभी मैंने शुरुआत में क्या बताया था आपको, ये कुंडली है, ये कुंडली है ना, और इस कुंडली का अक्ष, कुंडली की अक्ष है कि नहीं बताइए। तो जब कुंडली का तल, ये कुंडली का तल है और ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, समांतर है। ये जो कि मेरी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं। तो ये बताइए ये तल कैसा है चुंबकीय क्षेत्र के, समांतर हुआ कि नहीं हुआ, समांतर। तो इस स्थिति में अक्ष कैसी है, ऐसी है कि नहीं, अक्ष ऐसी है कि नहीं बताओ। तो आप मुझे बताना जरा, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है और अक्ष ये है और कोण बनाती है अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, तो कोण कितना बनेगा? कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र ये देखिए समांतर है, लेकिन अक्ष ऐसी लंबवत है। तो मुझे बताइए अब चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र और ये अभिलंब यानी कि अक्ष, कितना कोण बना बताओ अब? 90। ठीक, क्योंकि कोण जो है वो तल नहीं बना रहा है, कुंडली का तल कोण नहीं बनाता, कोण बनाता है कुंडली का
अक्ष, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और ये अक्ष ऐसी है, तो कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा 90। तो अब देखो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, लिखे समांतर है लेकिन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ बोलो, 90 डिग्री आ रहा है ना। इसलिए टाऊ बराबर क्या आया था, एन आई ए बी साइन 90। साइन 90 इज इक्वल कितना होता है, कितना होता है 1। तो टाऊ इज इक्वल टू क्या है, एन आई ए बी मैक्सिमम। तो ये कंडीशन बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा तब ही कुंडली पर क्या होगा, अधिकतम विक्षेपक बलिंग का आघूर्ण आरोपित होगा। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन ही महत्वपूर्ण है, यानी कि कुंडली कब विक्षेपित होगी, कुंडली कब घूमेगी, जब कुंडली का तल कैसा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। आगे जाकर मैं धारा मापी पढ़ाने वाला हूँ, और धारा मापी में हमें कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखना होता है। क्यों रखना होता है, उसका कारण यह है कि हम, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है तब ही उस कुंडली पर क्या होता है, अधिकतम विक्षेपक बलिंग का आघूर्ण आरोपित होता है और कुंडली घूमती है यानी कि विक्षेपित होती है। इसलिए यह कंडीशन महत्वपूर्ण है। क्लियर दैट, लंबवत वाली क्यों महत्वपूर्ण नहीं है अभी हम बता देते हैं, क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। कंडीशन नंबर सेकंड, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तब, तब बताइए थीटा इक्वल कितना होगा, अब कितना होगा, अब जीरो होगा, सीधी सी बात है। अब ये कुंडली है, कुंडली इस तरह से है और चुंबकीय क्षेत्र की कैसी है, वो लंबवत है, तो ये लंबवत हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और कुंडली का अक्ष ये भी लंबवत। तो ये बताइए ये हो गई कुंडली, और एक पेन जो बता रही है वो कुंडली के, ये हो गई कुंडली और एक पेन बता रही है किसको, क्योंकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है, तो एक पेन चुंबकीय क्षेत्र का, दूसरा पेन उसकी अक्ष को। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष कैसे हो गए,
बात समझ में आ गई? कोण कितना बनेगा बताइए? जीरो बनेगा। और जब जीरो बनेगा तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ जीरो रखेंगे, और थीटा इज इक्वल जब यहाँ जीरो रखेंगे इसलिए टाऊ इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन जीरो, और साइन जीरो इज इक्वल टू, तो टाऊ बराबर कितना हो जाएगा टोटल? तो मुझे बताइए यहाँ पर ये मिनिमम हो गया, तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या कोई बलिम का आघूर्ण लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और जब बलिम का आघूर्ण नहीं लगेगा तो कुंडली घूमेगी क्या, विक्षेपित होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर दैट? तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पहली कंडीशन हमारे लिए काम की है। जो होता है ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है।